नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक करिए चाहे मत करिए, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि वो जो गरीब छात्र घर बैठे अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, उन तक ये सारे प्रश्नोत्तर हम पहुंचा सके। तो उपराष्ट्रपति के पद का यहाँ पे हुआ है इलेक्शन। जी हाँ, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, जहां पे संबंधित प्रश्न कौन कौन से आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो हम आप तक साझा करेंगे। इसके अलावा जगदीप धनखड़ के बारे में कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए, जिससे जुड़े हुए संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं इन सभी प्रश्नोत्तर पे। चलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, पसंद आएगा तो। तो अगर हम बात करें दोस्तों, जी हाँ, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में बने हैं, जी हाँ, कौन? तो श्री जगदीप धनखड़। तो ये नाम याद रखिएगा। इनसे पहले, इस जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले, ये जो है ना, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे सवाल पूछेगा तो एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि सवाल पूछेगा अगर यहाँ से कि जगदीप धनखड़ जो है ये हमारे कौन से राष्ट्रपति हैं नंबर के, तो ये ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे आंसर करना है 14वें राष्ट्रपति हैं जो कि सुशोभित हुए हैं, और ये कब शपथ ले लिए हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है आज नहीं तो वो फिर किसी एग्जाम में पूछेगा, डेट पूछेगा वहां पे। तो 11 अगस्त को लेंगे, ठीक है, 11 अगस्त को ये चुनाव हुआ है अभी, लेकिन 11 अगस्त को ये वहां पे शपथ लेंगे एज ए 14th उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में अभी उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री वेंकैया नायडू है, और आपको बता दें कि इन्होंने अभी अब तक जो है 10 साल का सॉरी कार्यकाल जो है 10 अगस्त को इनका समाप्त हो जाएगा। तो 10 अगस्त को समाप्त होगा और 11 अगस्त को शपथ कौन लेंगे? तो श्री जगदीप धनखड़, जो कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बनेंगे। दो सवाल तो यहाँ से कंफर्म है जो कि आएगा। एक सवाल और पूछ सकता है कि जगदीप धनखड़ के जो विपक्ष में थी वो कौन महिला थी? तो ये इनका नाम है श्रीमती मार्गेट, या मार्गरेट अल्वा, ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ लिया जाएगा इनके विपक्षी उम्मीदवार कौन थे। तीन सवाल यहाँ से इस फैक्ट से बनते हैं। अच्छा, अगले आगे चलते हैं और आगे एक नजर यहाँ पे भी रखते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि धनखड़ जो है इनका जन्म स्थान तो वैसे नहीं पूछेगा, बट मैं बता दूं आपको कि 18 मई 1951 को राजस्थान में जन्मे हैं और इनका गांव का नाम है किठाना, और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने स्नातक किया है अपना, और इन्होंने LLB किया है, एक्चुअली विश्वविद्यालय LLB किया है इन्होंने, वहां से अपना लॉ की वकालत की अपने कोर्स किए थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है 1979 में की थी, जो कि एक काउंसिल ऑफ राजस्थान, जी हाँ, काउंसिल ऑफ राजस्थान में अधिवक्ता के रूप में ये वहां पे शपथ लिए थे। 1979 से इन्होंने करियर शुरुआत की राजनीति में। तो ये एक फैक्ट हो गया यहाँ से आपके लिए। और अगली फैक्ट की बात कर ले इनके बारे में, तो 1990 में राजस्थान के उच्च न्यायालय के द्वारा ये नामित एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे, और 2019 में आपको बता दें कि बंगाल के लिए राज्यपाल के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो ये वरिष्ठम नामित अधिवक्ता भी बने थे राज्य के, बंगाल के लिए, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से, यह ध्यान रखिएगा। और जगदीप धनखड़ जो है ना, 1990 से सर्वोच्च न्यायालय में भी अभ्यास किए हैं, यानी कि ये LLB इन्होंने किया है, तो लॉ के लिए इन्होंने अब प्रैक्टिसेस की हैं वहाँ पे, और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में इन्होंने अपना कार्य भी किया है एज ए लॉयर, ठीक है। और इन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है, और 1989 में राजनीति में कदम रखा और राजस्थान में झुंझुनू, है ना, झुंझुनू से जनता दल की ओर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। तो ये जनता दल के उम्मीदवार रह चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, जनता दल। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से हो सकता है कि पूछ लें करियर की शुरुआत किस पार्टी से हुई थी, ये सवाल पूछ सकता है। और 1990 में इन्होंने चंद्रशेखर, है ना, मंत्रालय से संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में भी रहे थे। तो जब चंद्रशेखर जो थे हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये राज्य मंत्री भी रह चुके हैं जगदीप धनखड़। तो ये फैक्ट यहाँ से पांच हो गए आपको याद रखने हैं। फिर इनके बारे में फैक्ट पूछ सकता है कि 93 से 98 तक जो है धनखड़ जो है किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो इन्होंने राजनीतिक करियर में भी अपना पांव फैलाया था। 2019 में पश्चिम बंगाल में ये राज्यपाल नियुक्त हुए। ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कब बने थे राज्यपाल? तो 2019 में बने थे।
जब भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर इन्होंने जो दूसरा संवैधानिक पद होता है हमारा देश का, पहला राष्ट्रपति का होता है, दूसरा उपराष्ट्रपति का होता है, तो ये संवैधानिक है तो दूसरे पद के लिए नामित हुए। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करता है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखिएगा, ये सवाल भी मैं पूछूंगा। वे 5 साल के लिए कार्यरत होते हैं और लेकिन पद पर बने रहते हैं, भले कार्यकाल समाप्त हो जाए जबकि उत्तराधिकारी के पद पर ग्रहण ना कर ले कोई और। तो अभी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 10 अगस्त तक बने रहेंगे और 11 अगस्त को ये अभी शपथ लेंगे, तो उनका वहां पे जो है इस्तीफा मंजूर कीजिएगा। तो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। तो ये कौन लेगा? तो द्रौपदी मुर्मू लेंगे, जो कि हमारे देश की वो 15वीं, जी हाँ, राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, वो 16वें स्थान है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर सवाल एग्जाम में पूछा कहीं कि 16वें हैं कि 15वें हैं, तो एज ए पर्सन वो 15वीं है और एज ए पद वहां पे जो है 16वें पद पे वो स्थापित हुई है, ठीक है, ध्यान दोनों चीजें रखिएगा यहाँ पे। ओके, तो अब आगे चलते हैं और आखिरी थोड़ा कुछ फैक्ट ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार जो है भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान निश्चित किया जाता है, तो आर्टिकल 63। अच्छा, आर्टिकल 65 में क्या कहा गया है? संविधान के आर्टिकल 65 के मुताबिक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यकाल के रिक्ति के दौरान, है ना, मसलन जब उनकी, मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो त्याग पत्र देने पर, हटने पर जो पद है राष्ट्रपति का वो संभालते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। और पदवधि जो समाप्ति और उनके पद ग्रहण करने को लेकर आयोग जो है यहाँ पर होने पर, अयोग्य होने पर अथवा उनका निर्वाचन अवैध होने पर राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य करते हैं। तो ये बहुत सारे कारण से जो राष्ट्रपति हटते हैं तो वहां पर ये पद संभालते हैं कौन? उपराष्ट्रपति, ठीक है। और जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता और नए नियुक्त नहीं हो जाते, राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाते वहां पे, तब तक ये कार्यभार संभालते हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उन्होंने 1952 से लेकर 1962 तक ये 10 साल का कार्यकाल का सेवा किया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखिए, दो फैक्ट यहाँ से है आप लोग के लिए। एक फैक्ट क्या है कि 2 बार राष्ट्रपति कौन बना, मतलब 2 कार्यकाल के लिए, तो राजेंद्र प्रसाद, और उपराष्ट्रपति के लिए श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, 10 साल के लिए ये भी उपराष्ट्रपति का सेवा किए हैं इस उपराष्ट्रपति के पद को लेकर। तो ये फैक्ट हो गए जो कि आपके एग्जाम में ऐसे वहां से सवाल जुड़ सकते हैं। अब आपसे मेरा कुछ सवाल है जो कि आंसर आप लोग जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा, है ना। फटाफट देखते हैं इन सभी प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के पद हेतु, है ना, उम्मीदवार के नामांकन को लेकर निर्वाचन मंडल के कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक होता है? तो टोटल 20, याद रखिएगा, आंसर क्या कर लीजिएगा यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सवाल नंबर 2 पे। दोस्तों, क्वेश्चन है कि जब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन होता है? क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। तो उस समय जो है जब ये राष्ट्रपति का पद संभालेगा उपराष्ट्रपति, तो सभापति कौन होगा राज्यसभा का? तो उपसभापति होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी यहां भी उत्तर कर लीजिएगा। सवाल नंबर 3, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? जी हाँ, मतों के बराबर रहने की स्थिति में ही, जी हाँ, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चलिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जो इस बार जगदीप धनखड़ जी को कितने मत मिले थे, है ना, कितने मत यहाँ पे उनको मिले थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो इनमें से ना जो है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले जो है राधा कृष्णन रह चुके हैं उपराष्ट्रपति, और आपका वीवी गिरी भी रह चुके हैं उपराष्ट्रपति, और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी रह चुके हैं उपराष्ट्रपति, लेकिन ज्ञानी जयल सिंह नहीं रह चुके हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ये कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं थे। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो आपको बता दें कि ये 6 माह तक के लिए ग्रहण करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब तक कि राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता है ये उसके पद पे आसीन रहेगा, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर चलते हैं 6 पे आंसर करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है या करती है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय करती है, दोस्तों याद रखेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 7, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो ये इनडायरेक्ट होता है, याद रखिएगा, इनडायरेक्ट होता है, यहाँ पे कोई चुनाव वगैरह नहीं होता है, इनका निर्वाचन किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे यहाँ पे।
सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? अब उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाने का जो है या उसको समाप्त करने का जो अधिकार है वो है संसद को। जी हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। और संसद जो है, आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा और संसद, ये तीनों का जो राज्यसभा, लोकसभा और संसद, तीनों का जो मेन अध्यक्ष होता है, जी हाँ, ये कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 9 पे, आंसर कर लिया। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? उस समय वो जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे वो सोवियत संघ के राजदूत हुआ करते थे, ठीक है, जब वो उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। सवाल नंबर 10, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जी हाँ, भारत का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है, राज्यसभा और लोकसभा, याद रखेंगे, जी हाँ, लोकसभा, ठीक है। ये सवाल आ चुका है एग्जाम में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 11 पे। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य मतों, है ना, भक्तों लिख दिया गया यहाँ पे, मतों, है ना, मतों के अलावे कितना वेतन प्राप्त होता है? अरे सॉरी, यहाँ पे, है ना, भक्तों नहीं है, भत्ता है ये, है ना, जो भत्ता मिलता है ना, भत्ता जो मिलता है वेतन के साथ वो है ना, अन्य भत्ता के साथ कितना वेतन उनको मिलता है? तो ये आपको बता दें कि टोटल 4 लाख मिलता है। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति 4 लाख प्रतिमाह वेतन मिलता है, उन्हें निम्नलिखित में से किसके समान भत्ता मिलता है? जो भत्ता मिलता है वो, जी हाँ, उनके बराबर मिलता है जो कि संसद के सदस्य हैं, उनको जितना मिलता है भत्ता, है ना, उतना ही भत्ता हमारे उपराष्ट्रपति को भी मिलता है। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे। राज्यसभा के बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति ही करते हैं, जी हाँ, सभापतित्व, सभापति होते हैं राज्यसभा के, कौन? उपराष्ट्रपति। सवाल नंबर 14, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो मैंने अभी आपको बताया था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, है ना, 10 वर्षों के लिए ये संभाला था इन्होंने, ठीक है, और मैंने समय काल भी बताया था, याद रखिएगा। सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और उसका भत्ता जो कि भारत के संचित निधि पर कभी भारित नहीं होगा, यानी कि कुछ भी हो जाए इनको अपना वेतन जरूर मिलना चाहिए, इनको और राष्ट्रपति को, ठीक है। और चूंकि हमारा संवैधानिक जो पद होता है भारत का, उसमें पहला पद राष्ट्रपति का और दूसरा संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का ही होता है। सवाल नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अब आर्टिकल पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा, इनफैक्ट हर एक सवाल पीसीएस में पूछा जाता है, आर्टिकल 63, मैंने आपको अभी डिटेल में बताया था, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 17, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु के पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? मतलब कि उपराष्ट्रपति जब थे ये, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 18, दोस्तों उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व जो पद युक्त किया जा सकता है कौन कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे, तो आंसर सी कर लीजिएगा, यहाँ पे इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 19 पे। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति के पद को गोपनीयता की शपथ दिलाता है दोस्तों राष्ट्रपति, जी हाँ, याद रखेंगे, और इस्तीफा भी राष्ट्रपति ले सकता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये मैंने अभी आपको बताया, श्री डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, क्योंकि 10 वर्षों के लिए ये कार्यकाल संभाले थे, ठीक है। सवाल नंबर 21, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया था? वो उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का पद संभाला था और अपने इस पद से, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था, तो वो डॉक्टर वीवी गिरी थे, याद रखिएगा दोस्तों, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? गलत कथन यहाँ पे तीनों में से दिया गया है, जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत बात है, ये अप्रत्यक्ष रूप से करवाया जाता है,
जी हाँ आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे कि भारत का उपराष्ट्रपति इस प्रथम जो राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन थे, 10 वर्षों के लिए ये कार्यकाल संभाले थे और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होता है, लेकिन इसका राष्ट्रपति चुनाव नहीं कराता है, अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित किया जाता है इनको। सवाल नंबर 23 पे चलते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के पद युक्त करने का प्रस्ताव जो प्रस्तावित किया जाता है वो केवल राज्यसभा में ही होता है, ठीक है याद रखिएगा, ये उपराष्ट्रपति को पद युक्त से प्रस्ताव प्रस्तावित कर किया जा सकता है उनको, है ना, तो केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दें आपको कि वो लोकसभा का लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नहीं होता है, वो लोकसभा का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है, वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष भी नहीं, ये भी नहीं होता है, वो राज्यसभा का पदेन, हाँ बिल्कुल ये सभापति होते हैं यहाँ के, तो डी इज द करेक्ट आंसर, पदेन अध्यक्ष होते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति को करता है, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं तो के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है, तो राज्यसभा को कभी विघटित नहीं कर सकते, यानी कि कभी भी उसको रोक नहीं सकते, या कभी भी उसको कहते हैं ना कि मतलब उसको मतलब उसका कार्यकाल को रोक देना या ऐसे ध्वस्त कर देना, ये नहीं कर सकते हैं। सवाल नंबर 27, भारत के उपराष्ट्रपति का पद, जी हाँ संविधान के प्रारंभ से ही है, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है, तो आंसर कर लीजिएगा, राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। सवाल नंबर 29, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है, देखिए ये जो उपराष्ट्रपति का पद है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमें किस देश के संविधान से हमने इनका जो पद के बारे में जानकारी ली और अपने देश में डाला है उसको, तो ये देश के संविधान में जोड़ा है, तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जी हाँ जैसा वहां पे उपराष्ट्रपति का कार्य है वैसा ही यहाँ पे उपराष्ट्रपति का कार्य होता है। सवाल नंबर 30 है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है, नामांकन जब होता है उपराष्ट्रपति का तो उस समय जो है ना कितना रुपया जमा करना होता है ये ध्यान रखिएगा, तो इनको जमा करना पड़ता है 15,000 रुपया, ठीक। सवाल नंबर 31, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं, संसद के दोनों सदस्य होते हैं, ठीक है राज्यसभा और लोकसभा, ठीक दोनों ही सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन के समय, है ना, इनको निर्वाचित किया जाता है और ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सवाल नंबर आखिरी है, भारत के वो कौन से एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि के पद को संभाला है, और ये 5 साल के लिए ही थे दूसरे उपराष्ट्रपति, तो ये ध्यान रखिएगा, दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जी हाँ एम एच अंसारी, ठीक है एम एच अंसारी, डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मैंने इसका पीडीएफ बना के जो है आप लोगों को दे दिया है, इस पीडीएफ को भी पढ़िएगा, इसका आंसर भी मैंने उसे पीडीएफ में डाल दिया है, आंसर देखिए खुद से एक बार टेस्ट लगाइए कितना आंसर आपको आ रहा है करने, जरूर से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।